हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें और हम आप तक रोज नई नई खबरें पहुंचा सके। दोस्तों, साल 1990 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी तो आपको याद ही होगी। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। फिल्म के हीरो राहुल रॉय ने काफी लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन इसके बावजूद वो बॉलीवुड में ज्यादा टिक नहीं पाए। क्या आप जानते हैं राहुल रॉय अब कहाँ हैं और क्या करते हैं? आशिकी के बाद राहुल के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी, जब उन्होंने 47 फिल्में शाइन की थी, जिनमें से 19 लोगों के पैसे वापस कर दिए थे। एक वक्त ऐसा था जब उनकी 23 फिल्में फ्लोर पर थी और दिन में 3 फिल्मों की शूटिंग करके वो रात में अन्य फिल्मों के लिए काम किया करते थे। ये सिलसिला करीब 6 साल चला, लेकिन धीरे धीरे उनकी चमक फीकी होती चली गई। फिल्में न मिलने के बाद राहुल ऑस्ट्रेलिया चले गए, बीच बीच में वह भारत भी आते रहे। 1990 के दशक की हिट फिल्म आशिकी से मशहूर हुए अभिनेता राहुल रॉय को दर्शक लगभग भूल चुके थे, पर बिग बॉस ने उन्हें नया नाम दिया। राहुल रॉय बिग बॉस के पहले सीजन का हिस्सा थे और इसके विनर रहे थे। साल 2017 में राहुल रॉय ने बीजेपी ज्वाइन किए। राहुल रॉय फिलहाल मुंबई में रहते हैं। उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है। एक बार फिर वह बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने वापस आ रहे हैं। डायरेक्टर नितिन गुप्ता ने राहुल को अपनी फिल्म वेलकम टू रशिया ऑफर की है। ये एक कॉमेडी ड्रामा होगी, इस बात की जानकारी खुद राहुल ने दी है।